नमस्कार, आज हमारे साथ हैं वेलकम मूवी की अभिनेत्री खुशी झा जी, तो इनसे मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते, तो आप अपना परिचय थोड़ा दें। मेरा नाम खुशी झा है और मैंने भोजपुरी की कई सारी पिक्चरें की है एज एक्ट्रेस, और अभी मैंने एज अ प्रोड्यूसर भी दो पिक्चरें प्रोड्यूस की है। इसका नाम है औरत तेरा कहाँ ठिकाना और सास बहू और वो, जिसके डायरेक्टर है संतोष मिश्रा और राइटर भी वही है, तो ये अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। जैसे कि मैम, आपको थोड़ा गर्दन में दर्द था, कमर में दर्द था, मैंने आपका ट्रीटमेंट किया, तो ट्रीटमेंट के बाद आप कैसा आप महसूस कर रहे हैं? ट्रीटमेंट के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली हमारा जो काम है ना, वो हम इतना ट्रैवलिंग करते हैं, जर्नी करते हैं, सोने का ठीक नहीं रहता कहीं पे भी, और बेड भी हमारा चेंज होता रहता है। इसके वजह से क्या होता है कि नेक इशू जो पेन होता है वो होता ही है कंपलसरी, तो उससे काफ़ी टाइम से मतलब जो प्रॉब्लम चल रहा था ना, उसके वजह से नेक, उसके बाद ये जो शोल्डर का है वो इशू रहता था। लेकिन सर ने, डॉक्टर सर मैं बोल रही हूँ, तो इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया नर्व का, इन्होंने बताया कि कुछ है आइस लगा के, फिर हॉट पैड बोलते हैं वो लगा के भी वो ऐसे रिलैक्स इंस्टेंट में भी नहीं हो रहा था, और ऐसा रिलीफ फील भी नहीं हो रहा था। बट सर ने जब वो बताया कि वो नर्व का कुछ होता है और इन्होंने ट्रीटमेंट कराया, तो इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है कि जितने भी ट्रैवलर होंगे या फिर जितने भी आर्टिस्ट होंगे या जो हाउस वाइफ भी होंगी, मेरी मम्मी हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम है। मैं बहुत जल्द सर के पास लेके आने वाली हूँ मम्मी को, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये उनके लिए बहुत ही रिलीफ है और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो हर किसी को ये एक बार मतलब एक बार ज़रूर चांस देना चाहिए कि ये वाला ट्रीटमेंट करके देखे कि उनको रिलीफ फील होता है कि नहीं होता। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ सर कि 101% वो कन्विंस होंगे इस चीज़ से। तो मैं हर किसी से ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या फिर जिनको भी ये प्रॉब्लम है या नहीं भी है, तो भी अगर आप ये ट्रीटमेंट अगर आप एक बार करवाते हैं, तो हो सकता है कि आप जो बॉडी जो आपका कंजेस्टेड फील करता है ना, वो बहुत रिलीफ हो जाता है, क्योंकि हमारा नर्व जो है ना वो नैरो हो जाता है, उसको स्ट्रेच की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे ये बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने ये ट्रीटमेंट किया और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। होप कि जल्दी फिर आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।